अभी होती है सर, मतलब स्लोगन से बता दीजिए, आपके टाइम में भी स्लोगन होते। अरे यार स्लोगन तो कोई गाली वाले होते थे, अरे थोड़े से माई वाले और नहीं यार नहीं। तो हमारे टाइम में H2 H3 H4 में होता था काफ़ी राइवलरी, और वही होता था कि जब भी पैप होता था या कोई भी ऐसे इंटर हॉस्टल का कुछ होता था तो वही एक दूसरे के विंग में जाके चिल्लाना 1 2 3 4 और ये सब, तो गाली फाइट होती थी। तो H3 H4 का ज़्यादा होता था उसमें हमारे टाइम ना, कि ये दोनों के अच्छे होते थे प्लेज और ड्रामेटिक्स वाइज, और वही होता है तो सब अभी भी होता है। अभी क्या नारे लग रहे बताओ भाई, तो यार मैं बता रहा हूँ देखो कुछ चेंज नहीं होता है ना, जैसे मैंने ये भी नोटिस किया हम लोग इतने कॉलेज से परफॉर्म करने जाते हैं तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज ना बिल्कुल सेम है, IIT भी सेम है, एक NIT भी सेम है, और एक सबसे नीचे को अभी टी नोएडा में चले जाए। अरे नहीं नहीं कॉल क्या क्या वर्क कल्चर सेम है यार पूरा, मतलब जिस तरह की बस्ती होती है जो हॉस्टल्स में होता है वो सब कुछ सेम है, बाकी वो ठीक है अपना अपना ग्रेड लेवल या ब्रांड लेवल अलग है अपना, बट हाँ तो हर जगह वही मस्ती चलती है। और हॉस्टल कल्चर मुझे लगता है बेस्ट कल्चर है, क्योंकि इसमें ना आप जो देखो एक तो ना यार मैं बताने तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन हो जो भी आपको लगे ना प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, क्योंकि वो रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब आप पेंट अप करते हो ना चीज़ें अंदर बिल्ड करते हो फिर एकदम से आउटबर्स्ट होता है, अरे हाँ जोक्स करेंगे यार रुक जा ना यार। हाँ और बताओ बाकी, मैंने तो थर्ड ईयर के बाद में सिर्फ चीटिंग करके पास हुआ मैं यार, मेरे को क्लियर हो गया था थर्ड ईयर के बाद में कि यार मैं ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स नहीं कर सकता, मैं अपनी जिंदगी डायोड्स में नहीं बिता सकता यार, कि मेरे लिए थ्रीसम का मतलब NPN और PNP नहीं है। तो बट दोस्तों अच्छे थे वो, लास्ट डे में पढ़ा देते थे कि इतना कर ले कि भाई पास हो जाए डिग्री मिल जाए, और डिग्री है मेरे पास दिखाने को। हाँ अच्छा मैं मारवाड़ी सीखते हैं अभी, ये बनिए लोग पढ़ लिख के आ जाते हैं अभी, बट मारवाड़ी से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा बिजनेस होता है। नहीं एक बार लास्ट ईयर माय डैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50 लाख रुपीज एंड ही वाज वर्किंग फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर क्वेश्चन आ रहा है ऑडियंस से। हेलो सर, मेरा एक करियर रिलेटेड क्वेश्चन ही है। करियर वाला सुन लो भाई बात है, आप में से किसी की प्लेसमेंट नहीं आएगी कल को से स्टार्टअप खोल दिया आपको ही लेना है कहाँ मिलेगा। कि आपने भी थोड़ा अनयूजुअल करियर ही चूज किया, आप IIT से हो, आपको भी अच्छी जॉब मिली होगी, एक अनयूजुअल करियर ही चूज किया। तो उस टाइम पे जब आपके स्ट्रगल के टाइम पे आप भी स्टैंड अप कर रहे थे, आपको फेलियर्स मिल रहे थे, तो आपने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग थे कि इसी करियर में मेरा कुछ आगे होगा, या फिर लाइक आपने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखा होगा भाई संदीप। मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक इस अनयूजुअल करियर में कैसे यार मैं बताऊँ, सबसे पहले ना एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो मेरे टच और फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, मुझे लिटरली मेरे दोस्तों ने पाला है। मैं जब स्ट्रगल कर रहा था शुरू में कोचिंग बातें की तो पैसा पूरा वो कमा के लाते थे कि भाई तू रेंट भी मत दे चलेगा एक बार के लिए कर दे, तो यार अच्छा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, वो आपको बनाना पड़ेगा। और सेल्फ बिलीव है, अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं करोगे तो दुनिया आप में बिलीव नहीं करेगी। तो अगर आप में वो उसमें क्या होता है, एक एरोगेंस भी होता है यूथ का और एक इग्नोरेंस भी होता है, तो इग्नोरेंस प्लस एरोगेंस ना मुझे लगता है बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है टू गेट यू थ्रू। यार फील्ड के बारे में पता भी नहीं है लेकिन एरोगेंट है कि नहीं मैं तो करूँगा, और हमारा हमेशा ही कॉन्फिडेंस आप जी फील्ड में चले जाओ हमारे ये सारे, मैंने IIT क्रैक किया मैं ये तो कर ही लूँगा, IIT सुपर क्या ही है। तो इस एरोगेंस और इग्नोरेंस में ना फिर आपने 3 साल किया, फिर धीरे धीरे वो आपको देखो आपको 3 साल तो देने ही पड़ेंगे
और उस दिन रोज वो फील होता है, शुरू में जाते कोई नहीं हंसता था यार, तो इतना वो डाउट होता था कि यार मैंने क्या जॉब ले लिया है, मैं कोई हंसता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, तो यार वो आपको ओवरकम करना पड़ेगा, उसके आगे कुछ नहीं है, वो आपको सेल्फ बिलीव और एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम में इन्वेस्ट करो गुड फ्रेंड्स के अंदर, अगर आपके वो बन गए ना तो लाइफ काफी निकल जाए, क्योंकि ना इस प्रॉब्लम ये होती है कि हम घर वालों को फोन करके वल्नरेबल नहीं हो सकते कि पापा मेरा कॉमेडी में कुछ हो नहीं रहा है, तो वो बोले मैं तो बोल ही रहा हूँ कॉमेडी में कुछ होता है कि यार दुकान पे बैठ जा, मैं मारवाड़ी था मेरे को दुकान पे बिठाते थे यार, मैं जब यहाँ पे गर्मी की छुट्टियां होती है ना वेकेशन पे, तो मैं आईटी सेकेंडरी में जा रहा हूँ, मेरे को दुकान पे बिठा रहे हैं रैंडम गांव के लोग आ रहे हैं, उनको मैं पानी पिला रहा हूँ यार, और मुझे लग रहा है मैं आईटी करके अनपढ़ लोगों को पानी पिला रहा हूँ यार, ये कौन सी जॉब है यार, तो वो आप कर लेना भाई, अच्छा सपोर्ट सिस्टम और सेल्फ बिलीव वो तो करना ही पड़ेगा यार, वरना कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप आईटी के अंदर भी घुसे तो सेल्फ बिलीव में घुसे ना यार, मैं बता रहा हूँ इससे टफ कॉम्पिटिशन कोई नहीं आईटी के अंदर घुसना, बाकी जो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन है वो इससे कम ही है जो आप क्रैक करके अंदर घुसे हो, तो हमेशा ये मानो कि यार मैं क्रैक करके अंदर घुसा हूँ तो हो जाएगा। हाथ ऊपर कर लो गाइस, हाथ ऊपर कर लो जिसको भी पूछना है। अच्छा यहाँ पे इंस्टाग्राम, यहाँ पे कोई कवि लोग हैं क्या, पोएट्स वोएट्स कविता लिखते हैं जो?